मामला श्योपुर जिला चिकित्सालय का है, जहां स्टाफ की अनदेखी और अमानवीय व्यवहार के चलते आए दिन मानवता जिला चिकित्सालय में शर्मसार होती दिखाई देती है। जहां मंगलवार के दिन भी एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया, जहां पेट दर्द के दौरान जिला चिकित्सालय में भर्ती खिरखिरी निवासी एक आदिवासी महिला के इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद जिला चिकित्सालय के जनरल वार्ड स्टाफ ने बिना शव वाहन को सूचना दिए ही मृतक के शव को वार्ड से चलता कर दिया। जिला चिकित्सालय के वार्ड से शव को चलता करने के बाद परिजन शव को जिला चिकित्सालय के बाहर लेकर पहुंचे, जहां अव्यवस्थाओं के चलते परिजनों ने शव को जमीन पर ही रख दिया। जहां शव को जमीन पर रखा देख उपस्थित लोगों ने स्ट्रक्चर लाकर शव को स्ट्रक्चर पर रखा, मगर इसके बाद भी घंटों शव रखकर परिजन शव वाहन का इंतजार करते रहे, मगर शव वाहन नहीं आया। मौके पर पहुंचे मुकेश मीना हिरनीखेड़ा के प्रयासों के बाद परिजनों को शव वाहन उपलब्ध हो सका, तब जाकर परिजन शव लेकर अपने घर की ओर रवाना हुए। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। जिस प्रकार कल श्योपुर में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, खिरखिरी निवासी महिला आदिवासी महिला बहन की जो मौत हुई थी, उस मौत में जो उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, लाश के साथ जो खिलवाड़ किया गया, उसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। जिस प्रकार उस कल आदिवासी बहन को मरने के उपरांत एक घंटे तक हॉस्पिटल के बाहर डेड बॉडी को लेकर स्ट्रेचर पर रखकर शव वाहन का इंतज़ार किया, मैं उसको दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानता हूँ। और मामा शिवराज जी के राज में ये पहला कोई मामला नहीं है, इसके पहले कई लगातार मामले आए हैं, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक इन मामलों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, क्योंकि जब कोई डेड बॉडी होती है तो जिला अस्पताल से तब तक नहीं निकाला जाता जब तक उसके लिए शव वाहन हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़ा नहीं हो जाता। लेकिन उस महिला को कल इमरजेंसी में जब मौत हुई उसकी, तो वहाँ से उस महिला को परिजनों को सौंप दिया गया और परिजनों ने स्ट्रेचर पर रखकर हॉस्पिटल के बाहर उस लाश को एक घंटे तक लेकर खड़े रहे, लेकिन वह शव वाहन नहीं पहुँचा था। जब मैं ब्लड बैंक से आया और मैं नीचे जब देखा, मैंने उनसे पूछा परिवारजनों से कि साहब आप ऐसा हमारी महिला है, उनकी मौत हो गई है, हम शव वाहन के लिए खड़े हैं, एक घंटा हो चुका है लेकिन अभी तक शव वाहन अब डेड बॉडी के लिए लेने नहीं आया है। तभी मैंने वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टरों से फ़ोन लगाया, शव वाहन के जो ड्राइवर है, जो चालक है, उसको फ़ोन लगाकर अवगत कराया कि थोड़ी बहुत आप में मानवता बची हो तो ऐसी जो घटनाएँ हुई है उस पर संज्ञान ले। तुरंत ही ड्राइवर ने कहा कि भाई साहब मैं अभी आ रहा हूँ और पूछ रहा हूँ। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जब एम्बुलेंस शव वाहन का जो ड्राइवर बोलता है कि ना, तो कभी जिला पर हम हॉस्पिटल से कहते हैं कि हमारी जो रसीदें कटती है पेट्रोल के लाने ले जाने की, वो तक नहीं काटते, इसलिए हम लोग इमरजेंसी में नहीं आ पाते क्योंकि हमारे पास पेट्रोल गाड़ी में रहता नहीं है, हम जब वहाँ जाते हैं तो वो मना कर देते हैं। कभी कहते हैं नगर पालिका देगी, कभी कहते हैं अस्पताल पर प्रशासन देगा, ये आपकी जवाबदारी है। लेकिन सर, जिला चिकित्सालय में कल एक मामला प्रकाश में आया है कि एक शव को जो है बिना शव वाहन के वार्ड से रवानगी डाल दी गई और वो शव वाहन काफ़ी समय तक जिला चिकित्सालय के बाहर रख के लोग इंतजार करते रहे शव वाहन का, क्या मामला था? सब वाहन नगर पालिका का है तो आने में कभी किसी शव को ले जा दूसरे गांव में भी ले जाते हैं, तो वहाँ से आने में टाइम लगा होगा, इसीलिए हो गया होगा, नहीं तो हम शवों को फिर बाढ़ में अगर ख़त्म हो जाता है तो उसे हम कोल्ड स्टोर में रखवाते हैं, इसीलिए उसे रखवाने ले गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हम सारे शवों को विधिवत उनके घर तक पहुँचवाते हैं। नहीं, लोगों का ये कहना है कि वो शव वाहन काफ़ी गेट पर रखा रहा काफ़ी समय तक, तो अगर ऐसा कोई मामला है तो आप उसको आगे से थोड़ा देख दिखवाएं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम विशेष ध्यान रखते हैं ऐसी चीज़ों का, आगे से और भी ध्यान रखेंगे।